एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तथा 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की स्थिर जल में चाल ज्ञात कीजिए। तो दोनों को इसमें मानना पड़ेगा। तो नाव की चाल को यक्ष मान लें, धारा की चाल को वाई मान लें। लिखेंगे माना नाव की चाल, क्योंकि तो नाव की चाल ज़्यादा होता तो उसको यक्ष मान लें, यक्ष किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल बराबर वाई किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमने मान लिया चाल दोनों का। अब लिखा है 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाता है, तो अनुकूल प्रतिकूल दोनों रहेगा। तो पहले लिख देंगे प्रतिकूल, प्रतिकूल में नाव की चाल में से धारा की चाल घट जाता है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल हो जाएगा एक्स माइनस वाई। दूरी कितना तय कर रहा प्रतिकूल में, 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर बटे समय। अब समय दिया है 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल और अनुकूल दोनों जाता है, तो अलग अलग नहीं दिया हुआ है, तो उसका समय मानेंगे टी वन। तो टी वन को जब बाई ओर लाएंगे तो हो जाएगा टी वन बराबर 30 बटे x माइनस वाई, इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट। उसी तरह से अनुकूल, इसमें टोटल दो स्थितियां हैं, तो अनुकूल में चाल जुड़ जाएगा x प्लस वाई बराबर, दूरी है 44 किलोमीटर और समय, अब समय नहीं दिया है तो इसका समय मानेंगे टी टू। तो जब टी टू बराबर निकालेंगे तो आएगा 44 बटे x प्लस वाई, ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। चूंकि दिया हुआ है टी वन प्लस टी टू बराबर, कुल समय है यहाँ पर 10 घंटे, तो 10 घंटे लिख देंगे। टी वन का मान है 30 बटे x माइनस वाई और टी टू का मान है 44 बटे x प्लस वाई बराबर 10 घंटे, इसको मानेंगे अब समीकरण थर्ड। ये मेन समीकरण हो गया, ये स्थिति फर्स्ट थी, यहाँ लिख देंगे स्थिति फर्स्ट। अब उसी प्रकार से स्थिति सेकंड के लिए, स्थिति सेकंड में दिया है 13 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल यानी एक्स माइनस वाई बराबर 40 किलोमीटर, अब बटे समय इसमें भी लग रहा है टी थ्री। तो जब टी थ्री बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा 40 बटे x माइनस वाई, इसको मानेंगे समीकरण फोर्थ। और दूसरा अनुकूल वाला x प्लस वाई बराबर, दूरी दिया है 55 किलोमीटर, तो 55 बटे t4, तो जब टी फोर बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 55 बटे x प्लस वाई, इसको मान लेंगे समीकरण फाइव। अब दोनों समय मिला करके, चूंकि टी फोर प्लस टी फाइव, टी थ्री प्लस टी फोर, ये बराबर दिया हुआ है टोटल 13 घंटा, तो 13 हो जाएगा। तो टी थ्री का मान है 40 बटे x माइनस वाई अब प्लस 55 बटे x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 13, इसको मानेंगे समीकरण फोर। समीकरण फाइव तक होगा, इसको मानेंगे समीकरण सिक्स, ये समीकरण हो जाएगा सिक्स। अब चाहो तो समीकरण इतना ना माने, केवल दो ही समीकरण मान के भी लगा सकते हैं, इसको फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें, बाकी मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इतना माना गया, दो समीकरण जो मेन आया थर्ड और सिक्स, इन्हीं दोनों को हमको सॉल्व करना है। तो एक्स माइनस वाई बराबर यू, ये हमने मान लिया, तथा 1 बटे x प्लस वाई बराबर वी, ये हमने माना। तो क्या बनेगा, एक बटे एक्स माइनस वाई की जगह वी हो जाएगा, तो हो जाएगा 30 u प्लस 44 v बराबर 10, तो ये दूसरा बनेगा 40 u प्लस 55 v बराबर 13, तो इसको मान लेंगे हम सातवां समीकरण, इसको मानेंगे आठवां समीकरण। अब इसको सॉल्व करना होगा हमें, तो कितना कितना गुणा के तो करें तो आसानी से कट जाएगा। तो 30 40 का एलसीएम ले ले, पता चल जाएगा कितना गुणा करना होगा हमको। तो 30 और 40 का एलसीएम, 10 से अगर भाग करें इसको तो 10 3 30, 10 4 40, यानी इसमें हम 4 से गुणा करते हैं, इसमें 3 से गुणा करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 7 में 3 तथा इसमें 4, तथा समीकरण 8 में 3 से गुणा करके
हल करने पर u अब प्लस 4 चौक 16 और 4 चौक 16 17 176 भी बराबर 4 2 40 और 3 से गुणा होगा तो 120 u अब प्लस 3 5 15 3 5 15 16 165 भी बराबर 13 3 39। अब इसको माइनस करना होगा, घटाएंगे इसको तभी ये कटेगा मान, ये कट जाएगा तो यहाँ लिख देंगे घटाने पर, यहाँ लिखा जाएगा घटाने पर। तो घटाएंगे तो 6 में से 5 गया 1 7 में से 6 गया 1 11 भी बराबर 40 में से 39 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी वी का मान आ गया 1/11। ये इतना मान है वी का। अब इस वी के मान को किसी समीकरण में रखना होगा जिससे कि यू का मान आ जाए, तो किसी में भी रख दें चाहे 7 में या 8 में। समीकरण 8 में रखने पर, तो समीकरण 8 में रख देंगे इसको तो ये आ जाएगा 40 u और प्लस 55 वी की जगह 1/11 बराबर 13। तो 40 u और प्लस काट देंगे 11 5 55 तो इसको बराबर लगा दें 13 और 5 चला जाएगा दाई ओर, तो 40 u बराबर 13 में से 5 गया 8 तो 8 से कट जाएगा 8 करना 8 8 5 40 तो u का मान मिला हमको 1/5, 1/5 u का मान मिल गया। अब u और v के मान को कहाँ रख दें, जो हमने माना था शुरुआत में, तो इसको लिख देंगे लिखेंगे चूँकि 1/x - y बराबर 1/5 तो x - y बराबर मिल गया हमको 5 और 1/x + y बराबर 1/11 ये v का मान मिला है तो x + y बराबर हो गया 11। अब इन दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेंगे तो x - y बराबर 5 और x + y बराबर 11 तो ये दोनों कट जाएंगे तो 2x = 11 5 16 तो x = 2 से कट जाएगा तो 2 8 16 x का मान आ गया 8 और x का मान किसी समीकरण में रख देंगे तो 8 + y = 11 तो y बराबर हो जाएगा 11 - 8 तो y का मान आ गया 3, यानी जो मान आया वो 8 और 3 आया, x का मान 8 y का मान 3, यानी नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा। लिख देंगे नाव की चाल बराबर 8 किलोमीटर पर आवर और धारा की चाल बराबर 3 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया इसका मान। अगला क्वेश्चन है रैखिक युगपथ समीकरणों 2x - y बराबर 1 और x + 2y बराबर 13 को ग्राफ खींचकर हल कीजिए, इन रेखाओं तथा वाई एच से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले हल करना होगा हमको समीकरण को, समीकरण इसको मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकंड। इसमें कह रहा कि ग्राफ खींचकर हल कीजिए और वाई एच और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x = 0 रखने पर, जब x में 0 रखेंगे तो 2×0 - y = 1 तो ये y बराबर मिल जाएगा -1, तो पहला पॉइंट मिला हमको 0, -1। अगर समीकरण 1 में y का मान 0 रखेंगे तो x का मान हो जाएगा 1/2, तो रख देंगे y = 0 रखने पर, जब y का मान 0 रखेंगे तो हो जाएगा 2x - 0 = 1 तो x बराबर हो जाएगा 1/2 यानी कि 0.5, तो पॉइंट बन जाएगा 0.5, 0। ये समीकरण 1 के 2 पॉइंट हो गए, एक पॉइंट ये वाला और दूसरा पॉइंट ये वाला। इसी तरह से समीकरण 2 का करेंगे, लिखेंगे समीकरण सेकंड में x = 0 रखने पर, जब इसमें x = 0 रखेंगे तो 0 + 2y = 13 तो y = 13/2, जब काटेंगे तो आएगा 6.5 यानी y का मान मिल गया 6.5, तो पॉइंट बना 0, 6.5, ये हो गया दूसरे समीकरण का पहला पॉइंट। अब रखेंगे y = 0
जब वाई बराबर जीरो रखेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस जीरो बराबर 13, यानी एक्स बराबर मान आ गया 13। तो पॉइंट बना 13,0। तो जो अगला समीकरण है उसका पॉइंट बना 0,6.5 और 13,0। अब इन सभी को दिखाना है ग्राफ पर। तो पहला पॉइंट दिखाएंगे 0,-1, एक्स का मान 0, वाई का मान -1 यहाँ पर, तो लिखेंगे 0,-1। दूसरा है 0.5, एक्स का मान ये यहाँ 0.5 और वाई का मान 0 यहाँ, मतलब यहीं पर हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे इसको 0.5,0। अब इसको हमें मिलाना होगा, तो इस लकीर से इसको मिला देंगे हम, तो इसको मिलाना होगा यहाँ से ले जा करके इस रेखा से मिला करके आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि प्रतिच्छेद भी कराना है इसको। हल्का पीछे कर दें और ये। अब उसके बाद दूसरा समीकरण 0,6.5, एक्स का मान 0 यहीं पर होगा, वाई का मान 6.5 यानी यहाँ पर, तो होगा 0,6.5। ऐसे दूसरा पॉइंट है 13,0, एक्स का मान 13 यहाँ पर है, वाई का मान 0 यहाँ पर, तो हो जाएगा 13,0 इसी एक्स अक्ष पर ही। इसको मिलाएंगे तो यहाँ से मिलेगा ये जाकर के 13 पर, ये यहाँ पर जाकर मिला। इसको आगे बढ़ा देंगे थोड़ा सा, ये हो गया। अब इसका हमें प्रतिच्छेदी बिंदु निकालना होगा, क्योंकि इसमें क्या कह रहा था क्वेश्चन कि ग्राफ खींचकर हल कीजिए। हल करने का मतलब एक्स वाई का इसमें हमको मान निकालना था, तो इसमें एक्स वाई का मान निकालना होगा हमको। तो एक्स वाई का मान कितना मिलेगा इसका हल करने पर? तो अगर वैसे देखा जाए जो ग्राफ जहाँ काट रहा है, तो ये यहाँ पर काट रहा है 5 पर, यानी वाई का मान तो हो गया 5, और एक्स वाला थोड़ा तिरछा है लेकिन ये 3 पर शायद मिलेगा, तो ये हो जाएगा 3। एक्स का मान ये हो गया 3 और 5। अगर मान को निकालना चाहें तो साल्व करके भी निकाल सकते हैं, पर ग्राफ द्वारा दिखाना है तो कॉपी पर साल्व करके दिखा देंगे, साल्व करके हल कर लेंगे मान को, और यहाँ पर दिखा देंगे पॉइंट को, क्योंकि डायरेक्ट दिखाएंगे तो हो सकता है पॉइंट में थोड़ा अंतर भी आ जाए, जैसे 3 से ज़्यादा आ गया, तो हल कर लेंगे इसको हम, या 3 और 5 मान को रख कर संतुष्ट करा लें तो हल करना ज़्यादा ठीक रहेगा। अलग कहीं रफ कॉपी पर इसको हल कर सकते हैं, जैसे इसमें दिया है 2x-y, तो 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4x-2y = 1, और ये है x+2y = 13। तो यहाँ 1 था तो ये 2 हो जाएगा, ये इससे कट गया तो हो गया 5x = 13, 2 15, 5×5, 5×3, 15, एक्स का मान 3 आ गया। अब किसी समीकरण में रख दें एक्स का मान, तो पहले में रखेंगे तो 3×6-y = 1, तो -y = 1 - 6, तो y बराबर हो गया 5। ये मान सही सही आ गया, मतलब कि जो ये पॉइंट है 3, 5, ये सही है। अब इसमें हमको निकालना क्या था? अब ये तो हल हो गया, यानी x का मान आ गया 3 और y का मान मिल गया 5, ये इसका हल हो गया। अब कह रहा था कि इन रेखाओं यानी ये दोनों रेखाओं तथा वाई एच, मतलब ये रेखा दोनों और ये वाई एच, ये जो रेखा बना है सीधा वाई एच से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। शीर्ष का निर्देशांक निकालना है, तो एक निर्देशांक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा निर्देशांक ये वाला हो गया बस। तो सभी को मान लें, इसको मान लें ये, इसको मान लें बी और इसको मान लें सी। तो यहाँ लिख देंगे निर्देशांक में ये हो जाएगा 0,6.5, और बी निर्देशांक हो जाएगा 3,5, और सी निर्देशांक हो जाएगा 0,-1। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो बस आज के लिए इतना ही। अब इसके बाद जो लेकर के आएंगे वो अगला पार्ट होगा, वो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही होगा। तो जितना क्वेश्चन इस समय लगवा रहे हैं ये सभी से सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसको देखें, समझें और अपनी तैयारी लगातार करते रहें। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।